भारती, जब हम इससे पहले मिले गए तब भी भारती इतना ही चिपक रही थी नवाशी से, जब हम लास्ट टाइम मिले थे तब भी तुम इतना ही चिपक रही थी भारती। इतना नहीं, तब ऐसा हुआ था, यहाँ तो बताइए ऐसा हुआ था, आज ऐसा हुआ है, पिछली बार ऐसा ही हुआ था बस। लेकिन अभी अभी बैक स्टेज फोटो वोटो करवा लेंगे भाई, 28 के बाद फिर आप करवाओ, नो फोटो ऐसा करोगे तो मैं पहले ही करवा लूँगी। लेकिन 28 अप्रैल आने वाली है, डर लग रहा है? डर नहीं लग रहा है, इतने बड़े लेजेंड्स के साथ, हिंदुस्तान के ग्रेटेस्ट डिस्को डांसर के सामने मैंने आई एम अ डिस्को डांसर किया है, मैं सबसे खुश नसीब हूं डैड, आई लव यू। और अगर मैंने अच्छा डांस किया तो तालियां बजाओ। मेरे डांस के गुरु मिथुन चक्रवर्ती तो है ही, लेकिन उससे भी बड़े मेरे डांस के हीरो मेरे भाई महाक्षय चक्रवर्ती, जोरदार तालियां हो जाए। आपको लगता है मुझे डर लग रहा है? एग्जैक्टली। और मेरे डायरेक्टर राज जी, आई कैन नॉट थैंक यू एनफ फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, यू आर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वी हैव एवर हैड सर, इट्स माय ऑनर। अमरीन, आपके दिल में क्या चल रहा है? धक 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 चल रहा है परफॉर्मेंस की वजह से, ऑल्सो बिकॉज हमारे रिलीज इतनी क्लोज है। आई एम वेरी हैप्पी, यहाँ पे मिथुन सर है, नमस्ते सर, राजी नमस्ते सर, थैंक यू टू यू ब्यूटिफुल होस्ट फॉर मेकिंग अस लाफ, एंड सभी के ब्लेसिंग्स यहाँ पे हैं, सभी के प्रेयर्स यहाँ पे हैं, तो मैं बहुत बहुत खुश हूँ और मैं इससे ज़्यादा कुछ और मांग भी नहीं सकती। पहले हीरो हीरोइन देखे मैंने इतने कॉन्फिडेंट रिलीज से पहले, वरना कहते उस दिन देखेंगे ऐसे, भाई क्या कॉन्फिडेंस है, ऐसे नहीं फिर ऐसे। सॉरी मिथुन दा, एज ए ब्रदर, नहीं एज ए मदर प्लीज, एज ए ब्रदर क्या मदर क्या मदर, मदर मैं एक ही बच्चे की हूँ गोले की, ये तो अपना दोस्त है ना मिथुन दा, ठीक है। और सच में यार हर्ष, मुझे लगता है जब हमारा बेटा होगा, इन्होंने तो अपने पापा के गाने पे डांस कर दिया, हमारा बेटा क्या करेगा, हमारे जोक सुन के हंसेगा, हमको भी कुछ ऐसे करना। सुनील सर का बेटा इतना हैंडसम, खुद पापा हैंडसम, सच में आप लोग कैसे इतना फिट रहते हो, जब बच्चे आपके साथ खड़े होते हैं ऐसे लगता है कि आप सब दोस्त हो, फ्रेंड्स खड़े हैं, और हम अपने मम्मी डैडी के साथ खड़े होते हैं शर्म पता चल जाता है, वो माँ बाप भी नहीं लगते, पराठे खा खा के इतनी सेहत खराब कर ली कि वो दादा दादी लगने लग गए। सच में मैं अगले घर सुनील शेट्टी सर के घर पैदा होना चाहूंगी, सच में सर, ये बच्चा सी सेक्शन से होता है मोटा वाला, लेकिन जो टैलेंटेड निकलता है ना सर, माँ को पूछना। और सच में मैं तो ऑल द बेस्ट कहूंगी, और मैं तो 28 तारीख को जा रही हूँ अपने बच्चे गोले को लेके, हर्ष आए ना आए, दोनों की फिल्म देखने, और इसका सबूत ये होगा कि मैं थिएटर में बैठ के सामने स्क्रीन से स्क्रीन शॉट लूंगी और आप दोनों को टैग करूंगी ताकि आपको पता चले मैं गई थी, मैं झूठ नहीं बोलती। आई थिंक ये हम सबको करना चाहिए, हम सब फिल्म देखकर एक फोटो लेकर इनको टैग करो यार, क्योंकि पहली फिल्म बहुत ज्यादा स्पेशल होती है और हमें इस फिल्म को और भी स्पेशल बनाना इनके लिए। सर ये शाम और भी रंगीन होने वाली है। एक मिनट सर, आज मेरा सौभाग्य है मैं और अमरीन का कि बैड बॉय लेजेंडरी बैड मैन के सामने खड़ा है। गुलशन अंकल, इट्स सच एन ऑनर टू हैव यू, एंड सुनील अन्ना, I must say, last week there was a disco dancer event. This man has taken care of every single person. Anna, you are an inspiration of all ages. Love you, Anna. Thank you for coming here and blessing the film. Thank you, Anna. Amazing. अब मैं चाहती हूँ कि आप लोग जाके रेस्ट करें, थोड़ा पानी पूनी पिए, है ना? आपका है, जहाँ मर्जी से जाइए, आपको एलईडी तोड़ के इधर से निकलना है, आप कर सकते हैं, आज आप हीरो हैं, कुछ भी कर सकते हैं, है ना मिथुन दा? यस। और पिंकी जी ठीक है? मैं बताऊंगी, मैं सारी बातें पता है, वो ऑडियंस में जो हुनरबाज में जो आंटियां आप पे मरती थी वो भी पीछे आई हुई है। वो तो मेरी बहन है, वो नहीं वहां वो वाली नहीं पीछे, वो जो साड़ी, हाँ हाँ, वो जो साड़ी में पीछे एक में करनी नहीं आंटी, वो मिथुन दा की फैन है। हाँ, उन्होंने यहाँ पे टैटू भी बनवाया है और मिथुन नहीं लिखवाया, सिर्फ म्यू शॉर्ट नेम, वो देखो आंटी
जब मुझे ऐसे मिली थी बैक से, कहती ये देखो म्यू, मैं क्या म्यू के, अभी म्यू बड़े हो गए, उनकी भी फिल्में आने वाली है। सो गाइज 28 अप्रैल मैं बार बार बोल रही हूँ, आपने जाना है।